हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है। एलपी ब्यूटी चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ब्लैकहेड्स रिमूव कैसे करें। ब्लैकहेड्स को बहुत ही आसानी से कौन सी चीज़ से रिमूव कर सकते हैं। अक्सर ब्लैकहेड्स हमारे नोज के आसपास एरिया में ही इकट्ठे होते हैं और बहुत ही गंदा दिखता है वो, तो उसको रिमूव करने के लिए आज बहुत ही अच्छा टिप्स बता रही हूँ। तो आप इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपको इस वीडियो में स्किन एजिंग और डार्क स्पॉट रिमूव और डार्क सर्कल और स्किन पे जो जो प्रॉब्लम्स है सबको ख़त्म करने का एकमात्र टिप्स है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको पक्का इफेक्टिव होगा ये और रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार ही यूज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्किन सॉफ्ट, ग्लोइंग और स्मूथ दिखेगी आपको एक बार ट्राई करने से ही, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा ये टिप्स। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है फ्रेंड्स। मैंने खुद ट्राई किया है और वीडियो में भी मैं ट्राई करके ही बता रही हूँ। तो वीडियो को शेयर एंड लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस और टिप्स जानने के लिए। तो चलिए बताते हैं। ये है दूध, आप कोई भी दूध ले सकते हैं, कच्चा, उबला, जो भी गाय भैंस जो भी दूध हो आपके पास अवेलेबल आप वो दूध ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने डाबर का हनी लिया है। इसको डाबर का हनी आपको कम से कम हाफ टी स्पून या फिर एक चम्मच तक डालना है। इतना ही बचा हुआ था मेरे पास तो इतना मैंने अभी डाल लिया है। और इसको आपको गैस का वॉल्यूम कम करके उस पर रख देना है। इसको किस तरीके से पकाना है, ऐसे आपको गैस पे रख के देख रहे हैं। मैं छोटे वाले जो छोटा वाला गैस होता है बीच वाला उस पर मैंने रखा है, बहुत ही कम वॉल्यूम है। और इसको अच्छे से उबाल लेना है। जब ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपको इसका कलर हल्का सा क्रीम कलर में दिखेगा। और इसको फिर देख सकते हैं आप, ये अच्छे से उबलने लग गया है। अब इसको उतार लेंगे। जब ये उबल जाए तो गैस को बंद कर दीजिए, ठंडा हो जाए तो इसको उतार लीजिएगा। और जब पूरी अच्छे से मतलब हल्का सा सिमसिम रहे, जैसे पूरा ठंडा नहीं करना है, खुनखुना सा रहेगा, तभी आपको इसको स्किन पर कॉटन बॉल की मदद से इस तरीके से लगाना है जैसे कि मैं वीडियो में लगा रही हूँ। ओके, इस तरीके से पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना, ऊपर की तरफ ऐसे लगाना है ताकि आपकी स्किन की एजिंग जो होती है उसको कंट्रोल कर पाइए। कभी भी कोई भी पैक या क्रीम वगैरह जो भी आप लगाते हैं उसको स्किन के इस तरीके से ऊपर की तरफ से ही लगाना है। नीचे की तरफ लगाने से वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, इसलिए आप ऊपर की तरफ ही कोई भी क्रीम पैक जो भी लगा रहे हो फेस पर उसको ऊपर की तरफ ही लगाना चाहिए। और जब ये अच्छे से लग जाए आपके फेस पर तो आप इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और पूरा अच्छे से सूख जाएगा तो आपको खुद फील होगा कि स्किन टाइट टाइट सी लगेगी। और जब सूख जाए तो इसको नॉर्मल ठंडे पानी से आप धो लेंगे। और धोने के बाद से इसको तौलिए से, अगर गर्म पानी मिल जाए तो गर्म पानी से ही धोइएगा, उससे ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। गर्म पानी से ही धोइएगा, ठंडे पानी से मत धोइएगा। हल्का गुनगुने पानी से धो के इसको दरदरा सा जो टावल होता है उससे आपको रगड़ रगड़ के पूरा जहाँ पर ब्लैकहेड्स है उसको पोंछ लेना है। फिर आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनिंग फेस देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आप खुद ट्राई कीजिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। देख सकते हैं नोज के आसपास के एरिया के ब्लैकहेड्स ख़त्म हो गए। मेरे कम थे, अगर आपके बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको लग सकता है मतलब एक से दो हफ्ता रिमूव करने में। हफ्ते में आपको इसको 3 से 4 बार यूज करना है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये टिप्स। और ज़रूर यूज कीजिएगा और ट्राई कीजिए जिसको भी ब्लैकहेड्स है और स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही इफेक्टिव टिप्स है गाइज। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह की हेल्पफुल यूजफुल वीडियो देखने के लिए। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।